हमारी बातें आपकी यादें कार्यक्रम में निकिता बटोला का नमस्कार। मैं लेकर आई हूँ उत्तराखंड में पहली बार एक ऐसा मेगा धारावाहिक जिसमें हम परिचय कराएंगे ऐसी प्रतिभाओं से जिन्होंने अपनी लगन और अपनी मेहनत से उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो आइए मिलते हैं हमारी आज की प्रतिभा से हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपकी यादें। हमारी बात है आपके आदर कार्यक्रम में सपना पांडे का नमस्कार। आज हम लेके आए उत्तराखंड से एक ऐसे व्यक्ति को जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे कम उम्र के सरकारी वकील हैं। तो आज हमारे बीच है मनोज गुरकिला जी। मनोज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी बात है आपके आदर कार्यक्रम में। हमारा पहला सवाल, आपका जन्म कब और कहाँ हुआ? इंडिया के बॉर्डर का धारचूला में मेरा जन्म हुआ और मेरा जन्म 27 सितंबर 1979 में हुआ है। अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताएं। हमारी बात है आपकी यादों के द्वारा अपने पूरे उत्तराखंड के लोग जो पूरे वर्ल्ड में रह रहे हैं उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ। जिस तरह से मैंने स्ट्रगल किया, मेरे फादर का सपना था, जब मैं 6 साल का था तो मेरे डैड मुझे सुप्रीम कोर्ट लाए थे। उनका कहना था बेटा या तो इस गुंबद के नीचे बैठना या फिर यहाँ पर स्ट्रगल करना अपनी लाइफ में। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसी कोर्ट है जो भारत का तकदीर लिखती है और यहाँ पर बैठ के आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप सोशल वर्क कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला कर सकते हैं। और ये लॉ प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिससे कि आप एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँच सकते हैं और आप उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जज भी बन सकते हैं। तो मेरे फादर चाहते थे मैं हाईकोर्ट जज बनूँ। उसके बाद मेरा सफ़र शुरू हो चुका था। जब मेरे फादर 8th-9th में पढ़ते थे मेरे फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, तो तब से मेरी काफ़ी स्ट्रगल किया मैंने बहुत लाइफ में अपनी। मैंने रोटी कपड़ा मकान और जहाँ तक स्ट्रगल की बात है, एजुकेशन की बात है, मेरा टारगेट था मेरे अपने परिवार को देखना था। मुझे घर में सबसे बड़ा मैं था, एक छोटा भाई था मेरा, उसको इंजीनियर बनना चाहते थे पापा, उनका सपना था। फिर मैंने पढ़ाई मैंने नैनीताल में करी। नैनीताल में करने के बाद लॉ में मेरा लखनऊ में सिलेक्शन हुआ। लॉ में मैंने लखनऊ से किया। NCC में भी सी सर्टिफिकेट रहा। मेरी लाइफ में आज यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो NCC का भी बहुत बड़ा योगदान है। NCC में सी सर्टिफिकेट मैंने लिया ए ग्रेड से, नेवल विंग था मेरा, और मेरा PRD में भी सिलेक्शन हुआ था और नौसैनिक कैंप में भी सिलेक्शन हुआ था। बेस्ट सेलर था मैं अपनी टीम का। और उसके बाद मेरा टारगेट आर्मी ऑफिसर बनना नहीं था बल्कि मेरा टारगेट सुप्रीम कोर्ट में जज बनना था। फिर मैंने लॉ करने के बाद फिर मैं दिल्ली आया। दिल्ली में मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया लाइफ में और एक DDR से लेके दिल्ली आना और एक अजनबी सिटी में रहना। LLB करता था तो भी ट्यूशन पढ़ाता था। मैंने डॉक्टर सूरज सिंह सर के साथ मैंने जूनियरशिप करी जो बराक ओबामा के बैचमेट रहे हैं और वो पहले व्यक्ति हैं भारत के जिन्होंने ऑक्सफोर्ड हार्वर्ड दोनों जगह से PhD करी है। और उसके बाद फिर एक 5,000 रुपये में मैंने अपनी लाइफ स्टार्ट करी, जूनियरशिप स्टार्ट करी। फिर उसके करने के बाद मैं सबसे ज़्यादा खुश था, मुझे UN जाने का मौका मिला, यूनाइटेड नेशंस में रहने का मौका मिला स्विट्जरलैंड में। फिर इंडिया आया, इंडिया के काफ़ी लीडिंग केसेस मैंने लड़े और मेरा गवर्नमेंट लॉयर में भी हो गया। फिर मुझे काफ़ी सबसे कम उम्र का मैं एडिशनल स्टैंडिंग काउंसिल भी बन गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और काफ़ी लिटिगेशन मैटर देखे और आज यहाँ मुकाम तक पहुँचा हूँ। स्ट्रगल किया, छोटे भाई को पढ़ाया लिखाया, उसको इंजीनियर बनाया और मदर हैं, घर में रहती हैं मदर पिथौरागढ़ में DD Hart में। तो ये मेरी स्टोरी है। मनोज जी अगर आप इस क्षेत्र में न होते तो आप किस क्षेत्र में होते? एक्चुअली अगर मैं इस क्षेत्र में नहीं होता तो मैं NCC में भी काफ़ी एक्सपर्ट था, बेस्ट कैडेट था मैं UP कॉन्टिंजेंट का और NCC में सी सर्टिफिकेट लिया, फायरिंग में गोल्ड मेडल भी लिया मैंने, स्विमिंग में नेशनल लेवल का अवार्ड लिया मैंने। अगर मैं इस क्षेत्र में नहीं होता, मेरा सिलेक्शन भी हो गया था, जैक ब्रांच का मैंने क्वालिफाइड कर दिया था, तो मैं अभी नेवी में लेफ्टिनेंट कमांडर होता, मैं देश की रक्षा कर रहा होता। उसके साथ साथ मैं स्पोर्ट्स में भी होता और कल्चरल एक्टिविटी में भी रहा होता। मैं चाहता हूँ मैं कहीं भी रहता तो मेरा सपना हमेशा टॉप लेवल रहता, ये मेरा कहना है। और मैं अपने प्रोफेशन में हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। ये ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पर आप वर्ल्ड तक पहुंच सकते। सुप्रीम कोर्ट ऐसी कोर्ट है जहां पर इंडिया के टॉप लोग आते हैं और हर प्रोफेशन के लोग आते हैं। तो मुझे बड़ी खुशी है, मैं डिफेंस के केसेस भी देखता हूं और मैं बड़े बड़े पॉलिटिशियन के केसेस भी देखता हूं। बचपन में मैंने काफी थिएटर्स भी किए थे और एक्टिंग का भी शौक था, तो शायद अगर मैं फिल्म इंडस्ट्री में भी जाता तो वहां पर भी मेरा सपना था कि मैं टॉप पे रहूं। बाय द वे मेरा अभी सपना यह है कि मैं अपने फादर का अपना पूरा करूं और मैं एक हाईकोर्ट जज बनूं, ऐसा जज बनूं हाईकोर्ट का कि दुनिया याद रखे, इंडिया याद रखे और अपने उत्तराखंड का नाम पूरे इंडिया में एक नाम करो। मनोज जी आप उत्तराखंड के युवाओं के भविष्य के बारे में क्या सोचते हैं? उत्तराखंड के युवाओं की जहाँ तक बात है सपना जी, मैं आपको बताऊं, वहाँ के लोगों के पास टैलेंट है जी। वहाँ के लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। देखो हार्ड वर्किंग एक ऐसी चीज है जो आदमी को चांद तक पहुंचा सकता है। बस ये है कि उनको बचपन से डायरेक्शन नहीं मिल पाता। भाई गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग वहां पर पैदा हुए हैं और बड़ी बड़ी हस्तियां वहां पर पैदा हुई हैं, तो उनको एक मार्गदर्शन देने की कमी। वो डायरेक्शन गवर्नमेंट को भी देना चाहिए, उनको स्कॉलरशिप देनी चाहिए। शिवलिंग स्कॉलरशिप है, फॉरेन स्टडी की स्कॉलरशिप है, देश की बहुत सारी चीजों के बारे में गवर्नमेंट को करियर काउंसलिंग करनी चाहिए और थोड़ा सा वहां पर
वहाँ के युवाओं को काफ़ी कम एज में जो बुरी लत लग जाती है, चाहे वो बीड़ी सिगरेट गुटखा ये सब चीज़ें, ये सब लताओं से ब्लॉक हो सकता है वहाँ का युवा अगर उसको सही डायरेक्शन मिले। बस मनोज जी, आपके जीवन का सबसे सुखद पल कौन सा रहा? मैं बचपन से चाहता था, एक सपना था बिजनेस क्लास में हवाई जहाज में घूमना। मैं चाहता था 5-स्टार होटल में रहूं। मेरा सपना था मैं यूएन जाऊं, यूएन में जाऊं, और मैं सोचता था मैं हाईकोर्ट जज बन जाऊंगा या उसके बाद अगर कहीं कुछ हुआ, मेरे पास पैसा हुआ तब यूएन जाऊंगा। यूएनओ में मेरा जब नाम आया, यूएनओ में मेरे को जाने का जो अपॉर्चुनिटी मिली, उस दिन मैं बहुत खुश था, क्योंकि मैं चाहता था 40-45 साल में मैं वहां पर जाऊंगा, लेकिन एक 28 साल की उम्र में एक बच्चे को यूएन में जाने का जब मौका मिले तो वो दिन मेरे लिए बहुत खुश था। मनोज जी, इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? मैं ये कहना चाहता हूं अपने इस इंटरव्यू के माध्यम से कि बच्चों, लाइफ में कहीं किसी भी मुकाम तक पहुंचने के लिए पैसा जरूरी नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूं। मैं अपनी पूरी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ऐसा है, उत्तराखंड के जितने लोग जंगलों कंदराओं में रह रहे हैं, वो लोग बहुत शेठ नहीं होते, स्ट्रगल करके वहां पहुंचते हैं। जैसा कि मैं बता चुका हूँ, मेरे फादर बहुत हॉनेस्ट थे, फादर का ब्रेन हेमरेज हो गया, घर बार मकान जमीन सब बेच के जो है उनका इलाज करवाया, आखिरी उनको बचा नहीं सके। जब मैं छोटा था तब उनकी डेथ हो गई, तो तब से एक पहाड़ टूट गया सर पे, और मुझे आज भी याद है मेरे, हालांकि मेरे चाचा जी प्रिंसिपल थे और मेरे घर में सब लोग अच्छी पोस्ट में है, मेरे बड़े चाचा इंजीनियर से उन्होंने छोड़ा है, क्योंकि जली हुई आग के पास सब बैठते हैं, बुझी आग के पास कोई नहीं बैठता, ये प्रैक्टिकल बात है। चाहे आदमी आप डिनाई करें, चाहे कितने बड़े लोग डिनाई करें, सेलिब्रिटीज या आइडियल लोग डिनाई करें इसको, लेकिन मैं ये प्रत्यक्ष बात है, मेरे पास 80 रुपये उस समय टिकट होता था, काठगोदाम से लखनऊ एक ट्रेन चलती थी उसका, मेरे पास वो 80 रुपये नहीं थे। पहली बार मैं लॉ को फॉलो करने वाला व्यक्ति हूँ बचपन से ही, वो दिन मेरे लिए एक एक क्षण एक एक पल मौत का दिन था, जब मैं काठगोदाम से लखनऊ पहुंचा, लखनऊ से बैक साइड से एंट्री करके बाहर आया। मैं इंटरव्यू देने के लिए बॉम्बे गया था, वहां पर घड़ी भी दी, मजबूरी में मैंने वो घड़ी वहां पर गिरवी रखी और 500 रुपए लिए, ट्रेन का टिकट लेके दिल्ली आया, और बाद में फिर वही घड़ी मैंने उसको 1000 रुपए देके दोबारे वापस लिए। वो आज मेरी फादर की, चाहे वो गन हो चाहे घड़ी हो, कोई भी चीज जितने भी मेरे पास मैं बचा सकता था, आज तक मेरे पास वो रखी हुई है, उनकी धरोहर है। और एक दिन दिल्ली में मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। दिल्ली में आया था तो 5-स्टार होटल में मैं गया था, इंटरकॉन्टिनेंटल, उसमें दिव्या सूरी उसकी मालकिन थी, जो लॉयर है वर्तमान, प्रैक्टिकल बात बताना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। मैं वहां पर मैनेजर के पास गया, एक व्यक्ति था, उसको बोला मैंने कहा कहीं वेटर में मेरे को कुछ समय तक पार्ट टाइम जॉब कर लूंगा शाम का। उसने मुझे रखा नहीं, उसने बोला 31 तारीख को हमारे वहाँ 31st मनाते हैं इंटरकॉन्टिनेंटल में, आप आइए, आपको उसमें जॉब मिल जाएगी। और व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट पहन के वहां पर गया, जब 12-13 लोग थे वहां पर खड़े, तो मेरी अंग्रेजी अच्छी थी, तो उसने बोला इसको जो है एक एनेबल्स में रखेंगे, एनेबल्स जहां पर ड्रिंक्स मिलती है। तो मैं वहां पर पहली बार लाइफ में मैंने एक रात में 8000 रुपये कमाए थे मेरी लाइफ का। और मुझे एक वेटर ने बोला था कि तू इनसे ऐसे बातें क्यों कर रहा है, हाथ मिला रहा है तू गेस्टों से। मैंने बोला एक दिन याद रखना, मैं इसी होटल में मेरे लिए सीट रिजर्व रहेगी और इसी होटल का मैं जो है मेंबर रहूंगा। लोग हंसते थे। तो आज वो समय है, आज इन 7 सालों की मेरी स्ट्रगल यहाँ है, मैं गोल्ड कार्ड मेंबर हूँ किंगफिशर एयरलाइंस का, मैं 5-स्टार JW मेरिडियन बॉम्बे का सबसे बड़ा 5-स्टार होटल है उसका मेंबर हूँ, ताज होटल का इनर सर्कल मेंबर हूँ मैं, जब भी जाता हूँ ताज होटल में रुकता हूँ बॉम्बे में, और फ्लाइट का पूरे भारत में कहीं भी जाऊं फ्लाइट की सेवा, किंगफिशर एयरलाइंस का टिकट बिजनेस क्लास का फ्री है मेरे लिए, लंदन का टूर मुझे फ्री मिला है। आज मैंने इन 7 सालों में सब कुछ प्राप्त कर लिया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जितने इंटरनेशनल नेशनल लेवल के प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रपति को उनके वहां से लाना और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाना, जिसमें अमेरिका के वो हैं, जिसमें एक प्रोग्राम में अरुण जेटली और हम लोग साथ में थे, एक ही डेस्क में बैठते, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साथ में थे, जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने बहस कर रहे हैं, उनके साथ खाना वाना खा रहे हैं, तो मुझे लगता है उनसे बड़ा कोई पोस्ट होगी, या राष्ट्रपति से कोई बड़ी पोस्ट होगी, या इंडिया के टॉप सेलिब्रिटीज, प्रियंका चोपड़ा जी का भी केस मेरे पास है, मैंने उनका केस हैंडल किया, उनसे फैमिली, उनका फैमिली लॉयर हूँ मैं। तो ऐसी हस्तियों से आज मैं मिला हूँ, आज पैसा धन, मैंने अभी एक होटल भी वहां पर लिया है जूली कोट में, वहां पर हमारे उत्तराखंड के गरीब लोगों के लिए, क्योंकि मुझे अब जहां तक बात है अपनी स्ट्रगल की लाइफ की, मुझे नैनीताल में किसी भी आदमी ने 500 रुपए में होटल नहीं दिया, आज मैं उस व्यक्ति का बहुत थैंक्स बोलता हूं। मेरे फादर के दोस्त थे भवान सिंह बिष्ट जी, SDM थे नैनीताल में, उनके वहां रहा मैं 10-12 दिन रहा, आप मानोगे नहीं किसने मुझे होटल नहीं दिया, लेकिन मैंने सबको बोला, मैंने बोला एक दिन ऐसा आएगा मैं होटल लूंगा इसी नैनीताल में, और जितने भी स्टूडेंट हैं जो मेहनत करके आते हैं, जो अगर यहाँ पर एडमिशन देने आते हैं, जो एग्जाम देने आते हैं, वो मेरे होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। और आज मैं इस आपके माध्यम से हर बच्चे को ये बोलना चाहता हूँ, किसी को भी नैनीताल में जाना हो, अगर उसको टेस्ट देना हो या उसको हाईकोर्ट में काम हो, पढ़ने वाले बच्चे को कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो वो मेरे होटल में फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकता है।
ये मेरा कहना है। मनोज जी, हमारे कार्यक्रम के माध्यम से आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सपना जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उत्तराखंड एक छोटा सा क्षेत्र है, मतलब एक क्षेत्रफल में छोटा है, वैसे वर्ल्ड में नाम है उसका, बहुत बड़ा नाम है वर्ल्ड में। वहाँ के जितने प्रत्येक व्यक्ति हैं वो अपने जहाँ तक पहुँच पाए कोई बात नहीं। आप फौज में सिपाही हो, आप हौलदार हो, आप जो है बैंक में क्लर्क हो, आप जो है किसी टीचर हो प्राइमरी के या हाई स्कूल के, कोई बात नहीं। आपने वहाँ तक अपने टाइम में उतना स्ट्रगल किया, ठीक है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी ट्रेनिंग दो कि वो जिस भी फील्ड में रहें तो वो इंटरनेशनल लेवल का करें। मैं नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को शरूट में पढ़ाओ, आप अपने बच्चों को आप बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाओ, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप उसको प्राइमरी में पढ़ाओ अपने, लेकिन उसको एक टारगेट दो, बचपन से ही टारगेट दो और उसको बोलो बेटा तुम्हें ये सपना पूरा करना है, और उसके पूरे टारगेट में पहुंचने के तरीके बताओ, सिस्टम बताओ। तो मेरा ये संदेश है उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को कि आप अपने बच्चों को बहुत आगे पहुंचाइए, ताकि जब वो लोग वर्ल्ड में जाएंगे तो वो देश की धरोहर बनेंगे, जब देश की धरोहर बनेंगे तो अपने आप ही उत्तराखंड का नाम पूरे विश्व में आएगा। मनोज जी, जो युवा पीढ़ी हमारी वकालत के क्षेत्र में आना चाहती है, उन्हें आप क्या टिप्स देंगे? आपको एक नेशनल लेवल का क्लैट एग्जाम होता है, कंबाइंड इंटरेस्ट एग्जाम होता है, वो आप उसका तैयारी करिए। 12th के बाद होता है उसका एग्जाम, 5 साल का आप उसका कोर्स करिए। नेशनल लॉ स्कूल है भारत में, हमारे उत्तराखंड में तो है नहीं, यूपी में एक राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ स्कूल है, लखनऊ में, दिल्ली में नेशनल लॉ स्कूल है, बैंगलोर में अभी टॉप पे चल रहा है नेशनल लॉ स्कूल, वहीं से कॉलेज से प्लेसमेंट हो जाता है। तो उन नेशनल लॉ स्कूलों में आपको जाने के लिए क्लैट एग्जाम होता है, और वह एग्जाम IIT और IIM के लेवल का होता है, और उससे भी ज्यादा टफ होता है क्योंकि सीटें बहुत कम है यहाँ पर, वहां पर सीटें ज्यादा है। वो एग्जाम क्वालिफाइड कर दिया आपने तो 5 साल आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सारा आपको कॉलेज करवाया जो करवाएगा, वो क्लैट एग्जाम क्वालिफाइड करिए। और उसके बाद सेकेंड स्टेप है LLM करने के लिए, आप जो है शिवलिंग स्कॉलरशिप है और भी बहुत सारी स्कॉलरशिप है, जो बार काउंसिल ऑफ ये आपका ब्रिटिश काउंसिल कंडक्ट करवाती है, उससे आप फॉरन जा सकते हैं। LLM 1 साल का होता है, 12 महीने का फॉरन से कर सकते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से, PhD कर सकते हैं आप, उसके बाद आप लॉ प्रोफेशन में आ सकते हैं, या आप जज बन सकते हैं, या बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी हमारे फील्ड में, बहुत सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे लगता है हमारे फील्ड में ही है लॉ में। BSc करने के बाद आप LLB करिए, लेकिन अब उसमें ये कि 6 साल लगते हैं, लेकिन आप बेस्ट तो ये हो गया 12th के बाद आप 5 साल का लॉ करिए, वो सबसे बेस्ट तरीका है। LLM आप चाहे तो हार्वर्ड से कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड से कर सकते हैं आप LLM। जब हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से आपने LLM कर दिया तो आप वर्ल्ड के, भाई हार्वर्ड से कर दिया तो बराक ओबामा ने वहीं से किया था, तो आप उस लेवल में गिने जाएंगे। उसको वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है लंदन की, वर्ल्ड की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं आपकी हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड, आप JNU इंडिया में सबसे टॉप क्लास की लॉ की LLM करवाती है जो यूनिवर्सिटी है आपकी, JNU है यूनिवर्सिटी, उसका भी लीगल एडवाइजर मैं हूँ JNU का, तो वहाँ से कर सकते हैं आप LLM, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा मेरी अपनी ऑर्कुट है, ऑर्कुट हर बच्चा देखता है उत्तराखंड का, अब तो काफ़ी एडवांस हो गया उत्तराखंड गाँव का, पौड़ी में मैंने देखा, टिहरी में देखा, मैंने अल्मोड़ा में देखा, पिथौरागढ़ में, चंपावत में, हर जगह देखा। तो आप उसमें मनोज गौरकेला सुप्रीम कोर्ट या पिथौरागढ़ DDR टाइप करेंगे तो उसमें मेरा प्रोफाइल आ जाएगा, आप मुझे मेल कर लीजिए, मैं हर लॉ करने वाले बच्चे को पर्सनली फोन करके उसको बूस्टअप करता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आज साउथ के सबसे ज़्यादा बच्चे लोग जो है वकालत में हैं, इंडिया के टॉप लीडिंग लॉयर्स हैं, टॉप लीडिंग जजेस हैं, तो उत्तराखंड के अभी तक सुप्रीम कोर्ट में या इंडिया में टॉप हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, हाईकोर्ट में और लीडिंग लॉयर्स में कमी है, तो वो फुलफिल हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ मेरा उत्तराखंड का हर बच्चा वर्ल्ड में लंदन, अमेरिका, वेल्स, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर प्रैक्टिस करे और देश का नाम रोशन करे। मनोज जी, आप किस किस तरह के केस लड़ते हैं? 8-9 लाख वकील हैं पूरे भारत में। सबको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि देखो, एक वकील हरीश सालवे जी भी हैं और मुकुल रोहतगी जी हैं, इंडिया पे टॉप 1 लॉयर अभी हरीश सालवे जी हैं। वो कभी ये नहीं कहते कि मैं ये केस लड़ूंगा, मैं वो केस लड़ूंगा। कोई भी केस हो, एक सेक्शन वायलेशन होता है, हरीश सालवे जी सारे केसेस लड़ते हैं। दुनिया में कोई ऐसा केस नहीं है जिस केस में वो बोले मैं ये केस नहीं लड़ता, जितने भी सीनियर लॉयर हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो जितने भी लॉ के बच्चे हैं, कोई इनकम टैक्स में लगा हुआ है, कोई सेल टैक्स में लगा हुआ है, कोई क्रिमिनल में लगा हुआ है, कोई कॉर्पोरेट लॉ में लगा हुआ है, नहीं। अगर आपको इंडिपेंडेंट लॉयर बनना है, अच्छा लॉयर बनना है, हरीश सालवे की तरह बनना है, तो आप जो है सारे केस लड़िए। मेरे पास विकास यादव का केस भी है, क्रिमिनल बहुत बड़ा केस है, विकास यादव जी का ट्रांसफॉर्मेशन मैंने किया था, UP का बहुत बड़ा केस है। और मेरे पास बॉम्बे ब्लास्ट का केस, जो इतना बड़ा केस था, संजय दत्त जी भी इन्वॉल्व थे जिस केस में, उसमें मैंने पूरा लिटिगेशन, पूरा सारा ड्राफ्टिंग, सारा मैटर मेरे पास पूरी फाइल, मैंने पूरी स्टडी करी। और अभी इंडिया की सबसे बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी जो HP कंपनी है, न्यू और HP जितने भी जो है सॉफ्टवेयर की कंपनी है, HP है
और आपका सैमसंग है, नोकिया है, लिनोवो है, कॉम्पैक्ट है, इनके आउटसोर्सिंग जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है आरटी आउटसोर्सिंग कंपनी, उसका लीगल लीगल कंसल्टेंट हूँ मैं। मैंने साइबर लॉ में प्रॉपर स्टडी करने के बाद वो केस साइबर लॉ का भी केस फाइल किया। सीबीआई का भी कम से कम 40-45 करोड़ का जो चेक मोहन सिंह का केस था, जिसमें फ्रॉड चेक बना के सीबीआई के अकाउंट से पैसे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्वॉल्व था उसमें, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो चेक निकाल दिए गए, वो केस मेरे पास, मैंने खुद हैंडल किया सीबीआई का, इतना बड़ा केस था। तो और रही बात, अब आर्बिट्रेशन का मैटर मेरे पास है और 138 के मैटर मेरे पास हैं, अभी प्रियंका चोपड़ा जी का एक मैटर 138 का, तो उसमें मैंने नोटिस भेजा था। तो मेरे पास जहाँ तक है वो सारे केसेस हैं, चाहे शिपिंग का हो, चाहे वो स्पेस लॉ, अभी स्पेस लॉ लेटेस्ट आया है। तो आपको हर फील्ड में नॉलेज होनी चाहिए, हर फील्ड का एक्सपीरियंस लो। और 40,000 बीएड का इतना फेमस केस था वो यूपी का, जिसमें कि ये आपका अरुण जेटली जी अपेयर हुए थे और बड़े बड़े नागेंद्र राय जी अपेयर हुए थे, बड़े बड़े सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट के अपेयर हुए थे, कम से कम 7-8 सीनियर लॉयर अपेयर हुए थे। जस्टिस बी एन अग्रवाल साहब ने उठा के फाइल फेंक दी थी कि हम इनको एग्जाम में बैठाएंगे नहीं, जितने भी 215 जो है मैनेजमेंट कॉलेज के स्टूडेंट हैं। मैंने, आप मानोगे नहीं, रात भर पिटीशन ड्राफ्ट करी, मरक्कल केस था इंडिया का, रात भर पिटीशन ड्राफ्ट करी, सुबह 10 बजे फाइल किया और डायरी नंबर से पहली बार भारत में डायरी नंबर से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में जो है मैंने मेंशनिंग किया। 2 बजे मैटर लगा, मैटर पूरा सुना, मैंने खुद इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट किया उस केस में, जिस केस को अरुण जेटली और आपका नागेंद्र राय साहब जो हाईकोर्ट जज रिटायर्ड हैं और इतने बड़े बड़े सीनियर लॉयर जीत नहीं सके, उस केस को 2 घंटे मैंने मैटर मेंशनिंग करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर ने उसमें ऑर्डर किया इनको एग्जाम में बैठाया जाए और सारे बच्चे एग्जाम में बैठे, उस मैटर को 2 दिन में मैंने कंप्लीट कर दिया। तो मेरा ये कहना है कि माइंड और एज में कोई रिलेशन नहीं होता, अपने आप को बड़ा कम मत, छोटा मत समझो, आप इंडिया के सबसे बड़े वकील समझो, अपने आप को वर्ल्ड के सबसे बड़े वकील समझो और मेहनत करो, हार्ड वर्क करो और जो है आपको सफलता मिलेगी और सारे केसेस लड़ो, हर फील्ड में एक्सपर्टाइज लो, तब अच्छे लॉयर बन सकते हो। मनोज जी, आप कहते हैं कि आप उसके सामाजिक कार्य समझ के लड़ते हैं, उसके बारे में थोड़ा। बहुत अच्छा आपने पूछा। जहाँ तक बात सामाजिक कार्य की, एक केस मेरे पास हरी सिंह का आया था मैटर, वो बंदा जो है भारत आजाद होने से पहले, उस बंदे को पैर में गोली लगी थी और 20% से कम डिसेबल्ड है करके उसको किसी भी कोर्ट ने जो है उसको पेंशन नहीं दी। तो 32 साल बाद वो केस मेरे पास आया, वो आपका एमएम जोशी जी हैं और वो बंदा बहुत गरीब घर का है और उसके पास खाने पीने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम थी और ऐसे के उसने बोला साहब मैं तो 1 रुपये नहीं दे सकता, जो 8-10 हज़ार रुपये लगती, जो फीस, कोर्ट फीस है, फाइलिंग है, ये सब है। मैंने उसकी जो जेन्युइन प्रॉब्लम देखी, मैंने बोला आपको 1 रुपये देने की जरूरत नहीं, मैं आपका केस फ्री में लड़ूंगा। और आप ये बड़ा, मैं जितने भी लॉ एक्सपर्ट्स हैं इंडिया के उनके सामने भी ये बात रखना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी ने बोला ये केस सुप्रीम कोर्ट में फाइल नहीं हो सकता क्योंकि 32 साल की डिले है, क्योंकि अगर आप हाईकोर्ट से केस हारते हैं तो 90 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट आपको आना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि अगर जेन्युइन रीजन है आपका, क्यों नहीं आ पाए आप 90 दिन के अंदर, वो दें तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको डिले कंट्रोल कर देती है और यही प्रक्रिया हाईकोर्ट में भी है। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, वो केस मैंने कॉन्फिडेंटली जो है, एक हमारे पास ब्रह्मास्त्र, एक हमारे वकीलों के पास एक है, ऐसा है आर्टिकल 32, एक ऐसा रिट है जिसमें आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आ सकते हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाईकोर्ट सब छोड़ के कोई भी मामला आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते। तो मैंने आर्टिकल 32 में पूरी रेड बनाई, वो केस फाइल किया, जस्टिस दलवीर भंडारी सर थे उसमें जज, उन्होंने इमीडिएटली नोटिस इश्यू कर दिया क्योंकि वो आखिरी सांस ले रहा था, एम्स में आखिरी सांस है ले रहा था, अभी मुश्किल से 2 साल पुराना केस है ये। और वो केस मैंने पूरा जान लगा के आर्गुमेंट किया, ऐसा नहीं कि गरीब का केस है तो पूरी मेहनत मत करो। तो मैंने पूरी पूरी आर्मी के सारे जितने एक्ट हैं, सारे जितने लॉ हैं, एक एक चीज 5-6 जूनियरों को बिठा के एक एक चीज मैंने उस पर रिसर्च किया उस पर, और उसके बाद मैंने इशू नोटिस करवाया उसको और पूरा प्रॉपर 32 साल बाद पहला मैटर है भारत का, आई नो, मतलब मेरे हिसाब से आई थिंक दैट कि पहला मैटर है भारत का जिसमें 32 साल के बाद डिले कंट्रोल हुई और नोटिस हुआ। एक एग्जांपल दिया आपको मैंने, ऐसे एग्जांपल हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए मैं फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ता हूँ, सिर्फ शर्त यह है कि जेन्युइन गरीब होना। मैं बोलता हूँ इस मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से, उत्तराखंड का कोई भी व्यक्ति अगर सुप्रीम कोर्ट में आना चाहता है, मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले हैं। मनोज जी कहते हैं कि वकील बहुत झूठ बोलते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन किया आपने। हाँ, मैं इसका आंसर जरूर देना चाहूंगा, सीरियसली देना चाहूंगा। वकील झूठ बोलते हैं, मैं बोलता हूँ ठीक है, एक वकील सुप्रीम कोर्ट में बोलता है कि सूरज पश्चिम से निकलता है, भाई सामने वाला लॉयर भी तो बैठा है भाई, वो प्रूफ करे ना पूरब से निकलता है और कोर्ट एविडेंस पे चलती है और फिर डिसाइड तो जज को करना है। अब रही बात झूठ की, जब भी हम अपना एक एक शब्द बोलते हैं कोर्ट में तो वो एक एक शब्द एफिडेविट मानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, और जज को इतनी पावर है, अगर आपने एक शब्द भी गलत बोल दिया, अगर जज को गुमराह कर दिया, आपने गलत बोल दिया, गलत स्टेटमेंट दे दिए,
या झूठ बोल दिया आपने, तो उससे क्या होता है, जज आपको तुरंत उठा कंटेम्प्ट ऑफ कंटेम्प्ट केस में जेल भेज देगा, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देगा। जब सुप्रीम कोर्ट ही आपका बार काउंसिल से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा है, बार काउंसिल में आपकी रिपोर्ट भेज देगा, इनके खिलाफ कार्रवाई, आपको कंटेम्प्ट केस में जेल भेज सकते। तो जब जब इसके इसलिए तो हम लोग तो एक एक पॉइंट, जब हम तो कहते हैं अपने क्लाइंट से तू साइन कर ले भाई इसमें, एक एक शब्द गलत मत बोलना भाई, कल के दिन हमें भी जज बनना है, हमें भी अपना नाम करना है सुप्रीम कोर्ट जैसी जगह में, अगर हमें एक शब्द भी अगर गलत बोले हैं तो कंटेम्प्ट लग सकता है, आपको जेल भेज सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ही अगर आपके कैरियर आपको कंटेम्प्ट कर रही है या आपको बार काउंसिल में भेज रही है, तो उसका अगर हम एक बार वकालत से बाहर निकल गए, हम जेल चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, तो फिर हम उसके बाद कहाँ जाएंगे, और कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे। तो ये बहुत बड़ी मिथ्या है लोगों के मन में, बहुत बड़ी गलत भावना है लोगों के मन में। हर व्यक्ति अपनी बात नाप तोड़ के बोलता है, एक एक शब्द हमें बोलने से पहले 10 बार सोचना पड़ता है। तो जैसे मीडिया में अगर आपको, फिल्म इंडस्ट्री में अगर किसी को कोई रोल में अगर कुछ बोलना है, तो एक एक शब्द पहले रात भर वो रटते हैं, अपना स्क्रिप्ट रटते हैं, उसके बाद बोलते हैं, तो वो तो रटते हैं, लेकिन हम लोग एक एक शब्द को 10 बार तोलते हैं, और इतनी मेहनत करनी पड़ती है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की। मैं ये जज को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रॉब्लम नहीं है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से कोई हारता है तो वहाँ पर 3 लॉयर होते हैं, हाई कोर्ट में फिर अपील जाती है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हाई कोर्ट के प्रॉब्लम, जजों की प्रॉब्लम निकालनी पड़ती है, कहाँ पर उन्होंने मिस्टेक करी, कहाँ पर उन्होंने गलती करी, अप्रिशिएट नहीं करा, तो वो गलतियाँ निकाल के सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते पहुँचते इतनी मोटी बड़ी फाइल हो जाती है, उस फाइल को पढ़ना, उसको रिसर्च करना, उसको तैयार करना, उसके बाद कोर्ट में फाइल करना, इट्स वेरी टिपिकल टास्क। और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने में आदमी के पैर हिल जाते हैं, हिलने लग जाते हैं कि कब कहाँ पर क्या मिस्टेक हो जाए, तो ये बहुत गलत बात है। ये आइडियल प्रोफेशन है लॉयर, क्योंकि भारत में अगर आज भारत सही चल रहा है, तो सिर्फ हमारी वर्ल्ड में एक भारत ऐसी कंट्री है, जो जस्टिस आरसी लाहौटी साहब ने, फॉर्मर चीफ जस्टिस मिलिया साहब ने कहा था, भारत एक ऐसी कंट्री, पहली कंट्री है जिसमें लॉ जुडिशरी सबसे ज़्यादा पावर, इसीलिए हमारा देश प्रॉपरली चल रहा है और अच्छा है, शांतिप्रिय है, ज़्यादा भी आपत्ति नहीं। नहीं तो अगर लॉ जुडिशरी अच्छी नहीं होती, सिस्टम अच्छे नहीं होते, लॉयर इस तरह से होते, तो हमारा देश कब के तालिबान बनता। मनोज जी, एक पर्सनल सवाल, आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? देखिए, जहाँ तक शादी का सवाल है, मैं घर का सबसे बड़ा था, भाई को एजुकेशन दिलाना था, और मेरी कजन सिस्टर को मेरे को जर्नलिस्ट बनाना था, अभी वो जर्नलिस्ट है देहरादून में, नीतू गौरखेला, और मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, उसने अपना मुकाम प्राप्त कर दिया, राजेश गौरखेला। मेरी मदर सीधी शादी है, गाँव की महिला है, वो वहीं रहती है, पिथौरागढ़ में, सांस लेने की फुर्सत नहीं मिली, टारगेट था अपना। और दूसरी बात, हमारे उत्तराखंड जब से अलग हुआ, सारी जितनी लड़कियां हैं सब गवर्नमेंट जॉब में लगी हैं उत्तराखंड में, और वो लड़कियां जॉब नहीं छोड़ना चाहती, कोई पीसीएस है, कोई कहीं पोस्टेड है, कोई कहीं, मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसकी सोच बहुत ऊंची हो, जिसकी थिंकिंग बहुत बड़ी हो, उसको मैं बूस्टअप करके उस मुकाम तक, मेरे से कंधे से कंधा मिला के उस टॉप तक पहुंचे, और मेरे फादर का पूरे सपना में पूरा करने में कहीं डगमगाया, तो मेरा सपोर्ट करे और वो भी वर्ल्ड में नाम करे, उसको आगे बढ़ेगी, उसके फादर मदर, उसका एक आदमी आगे बढ़ता है तो पूरे परिवार का नाम होता है, और फिर और आगे बढ़ता है तो पूरे गांव का, जिले का और राज्य का नाम होता है, और आगे बढ़ता है तो देश का नाम होता है, और देश की धरोहर बनती है, धरोहर होती है, हो जाता है वो व्यक्ति। तो मैं चाहता हूँ ऐसी लड़की मुझे मिले, और तो मैं शादी कर सकता हूँ, शादी कोई ऐसा इशू नहीं। मनोज गौरखेला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमारे कार्यक्रम हमारी बातें आपके याद में आई। उत्तराखंड की धरती को नमन करते हुए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत आइडियल काम कर रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, ये बहुत आइडियल काम है, और आप सब लोगों को नमस्कार, उत्तराखंड की धरती को नमन, और उत्तराखंड के हर व्यक्ति को मेरा नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम हमारी बातें आपके आगे, मैं सपना पांडे एक बार फिर आपके पास आऊंगी एक नई प्रतिभा के साथ, एक नई मुलाकात के साथ, तब तक के लिए दीजिए आज्ञा, नमस्कार। मैं अपने दर्शकों का बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे सीरियल को सराहाया, और इसके साथ साथ ही मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद देता हूँ, अपने मेहमानों का धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मेरा निमंत्रण स्वीकार करके आज हमारे इस सर्वे को यहाँ पहुँचाया।